सिक्किम के मुख्यमंत्री ने फांसीदेवा में पहाड़ी माता की वार्षिक पूजा का किया शुभारंभ। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने फांसीदेवा के हरि मंदिर में पहाड़ी माता की वार्षिक पूजा का शुभारंभ किया। यह पूजा 28 जून तक चलेगी। सोमवार सुबह सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह गोले ने फांसीदेवा प्रखंड के लेवसी पकड़ी इलाके में स्थित हरि मंदिर में आयोजित पहाड़ी माता की 10 दिवसीय पूजा का उद्घाटन किया। उन्होंने स्वयं इस वार्षिक पूजा की शुरुआत पूजा से की। उल्लेखनीय है कि हर साल सिक्किम के मुख्यमंत्री इस मंदिर में पहाड़ी माता की पूजा करते हैं। इसी तरह इस साल भी उन्होंने पूजा की। मंदिर प्रशासन ने पहाड़ी माता पूजा के अवसर पर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। প্রত্যেক বছর উনি এসে এখানে বাৎসরিক পূজা রাখতেন। আমাদের মূল পুরোহিত যিনি আছেন সুরেশ আচার্যজি, উনি আমাদের সঙ্গে উনি ওনার উদ্যোগেই সিএমের এখানে আসা এবং সিএম এসে আজকে উনি বাৎসরিক পূজাটা এখানে করলেন, ব্যক্তিগতভাবে উনি করলেন এবং আগামী 28 তারিখে উনি আসবেন। সেদিনে উনি এখানে সেই বাৎসরিক পূজাটা সমাপন করবেন এবং কুমারী পূজাও করবেন। তারপরে আপনার ভাণ্ডারা 3000 মানুষের নবরায়ণ সেবার ব্যবস্থা উনি করবেন। আজকে কোনো বিশেষ তিথি ছিল? হ্যাঁ, এটা একটা গুপ্ত নবরাত্রি চলছে। পণ্ডিতজি আছেন, উনি পণ্ডিতজি ভালো মতো এইটু থাকে। আজ পূজা করতে কে লিয়ে আনে কা বিশেষ আয়োজন তো রা ও গুপ্ত নবরাত্র আজ সে চালু হুয়া হ্যায় আর ইস পূজা মে সিকিম কে মুখ্যমন্ত্রী আনে কা কারণ ভি ইয়ে তে হর সাল আতে হ্যায় লোগ। হর বর্ষ বার্ষিক উৎসব কে সময় ইয়ে গুপ্ত নবরাত্র কা জো টাইম হ্যায় ইসি মে পূজা করাতে হ্যায় और माँ आशा दशमी के दिन इसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। तो सीएम साहब सिक्किम से हर वर्ष आते हैं और इसी के लिए आज जो पूजा का जो संकल्प जो था हम सब लोग को या करने कराने के लिए संकेत करके क्या क्या क्रियाकर्म हुआ है आज? यहाँ आज माँ भगवती का पूजा हुआ है और कन्या पूजन हुआ है, ब्राह्मण पूजन हुआ है और 10 दिन बाद में फिर आएंगे 28 जून को प्रातः 8 बजे फिर आएंगे और नारायण सेवा इत्यादि जो करते कराते आते हमेशा सदैव जो करते वैसे ही फिर करेंगे। मेरा नाम पंडित सुरेश चढ़िया, सिलीगुड़ी।